के आपका भी बच्चा दुबला पतला है और बहुत कमजोर लगता है। लोग कहते हैं कि कुछ खिलाए पिलाए कर कितना कमजोर दुबला पतला है। तो फिर आज के वीडियो में बताऊंगी इस सर्दियों में आप अपने बच्चे को ऐसा क्या खिलाए जिससे आपका बच्चा गोलू मोलू और हेल्दी हो जाए और लोग भी बोले हाँ क्या खिलाए है अपने बच्चे को, हमें भी राज बताए। तो फिर आज के पर्टिकुलर वीडियो में वही सारे राज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीज आप अपने बच्चे को केला दे सकते हो, इससे है ना बच्चे का जो वेट है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो केला जरूर दीजिएगा, पर अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो ना दीजिएगा। और अगर कुछ भी नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, हेल्दी है, तो फिर आप क्या करिए दोपहर के टाइम पे बच्चे को मैश करके केला दीजिए, इससे है ना बच्चे का वेट जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। दूसरी चीज आप दे सकते हो शकरकंद, जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। अब अगर उसे देते हैं तो बच्चे का जो वेट है वो अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। आप ये एनी टाइम दे सकते हो, जरूरी नहीं है दोपहर में ही देना, आप कभी भी दे सकते हो। क्या करना है, एक शकरकंदी लेनी है, एकदम पतला वाला लेना है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मोटा वाला लेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है, पतला वाला लीजिए, उबाल लीजिए, फिर उसे अच्छी तरीके से मैश करके बच्चे को दीजिएगा। तो इससे बच्चे का दो फायदा होगा, वेट भी बढ़ेगा और जो बच्चे का जो हाजमा है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है, बच्चा एंजॉय भी करता है और इसके अंदर हल्का मीठापन रहता है, तो फिर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तीसरी चीज आप दे सकते हैं घी, जो कि घर का ही बना होना चाहिए, जिसमें आप है ना बहुत सारा जैसे घर पे मलाई निकालते हैं उसका घी बनाते हैं ना, तो वो बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए। आप वो दे सकते हैं और बच्चे को बहुत फायदा होगा, इससे वेट गेन भी होगा। और घी दे रहे हैं ना तो आप किसी में भी दे सकते हैं। अगर आप दलिया बना रहे हैं तो दलिया में दे सकते हैं, प्यूरी बना रहे तो प्यूरी में दे सकते हैं। अगर शक्करकंदी खिला रहे तो उसके अंदर भी थोड़ा सा घी डालेंगे ना तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चे को हेल्थ में भी फायदा हो देता है। इसके अलावा बच्चे को ड्राई फ्रूट क्या कीजिए है ना, पूरा जितने भी आपके घर में अवेलेबल है ड्राई फ्रूट उसको है ना कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कीजिए, उसका पाउडर बना के। कुछ भी बच्चा खा रहा है तो घी तो डाल रहे हैं, उसके साथ ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए, इससे बच्चे का जो वजन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा आप बच्चे के खाने में हमेशा दाल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, चाहे कोई भी दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, आप जो भी दाल यूज कर रहे सब दाल बच्चे को खिला सकते हैं, दाल चावल के साथ खिला सकते हैं या फिर दलिया बना के खिला सकते हैं। दाल से भी बच्चे का जो वजन है वो बढ़ता है। अब पॉइंट नंबर 5, आप डेली रूटीन में आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके वजह से बच्चे का जो वेट है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिया प्रिंस, जहाँ तक वीडियो देखा था धन्यवाद, चलिए बाय।